subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग आपको दिखा चुके थे कि हम लोग 23 वीडियो इसके पहले 23 क्वेश्चन से पहले हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे और आपको एकदम एक्सप्लेन करके बताए थे कैसे कैसे होगा और कैसे कैसे नहीं। हम लोग आज के इस वीडियो में लाएंगे 23वां क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें कि क्वेश्चन किए हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आप लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे हम लोग को भी आपको नया मोटिवेशन मिलेगा कि ताकि हम वीडियो में और भी इंप्रूवमेंट करें, या आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हम लोग इसको और डीपली समझाएं। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 - x2। तो इसको हम लोग इससे पहले लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 - x2। तो हम लोग जानते हैं कि मानना पड़ेगा तो पहले हम लोग समाकलन कर देने पे लिख देंगे समाकलन करने पर। तो हम लोग समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन कर्णे में 1 - x2, यही होगा। अब चलिए देखिए हम लोग क्या मानेंगे। तो हम लोग लिख देंगे माना। तो हम लोग बताइए कि अगर साइन इनवर्स एक्स मानेंगे तो dx और साइन इनवर्स क्या होता है, कर्णे में 1 - x2 होता है ना, इसीलिए तो हम लोग क्या मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स। ये हम लोग आप लोगों को फार्मूला हम बता चुके थे, फार्मूले से होगा साइन इनवर्स एक्स टी। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिए हम लोग, टी मान लिए। तो इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन हम लोग लिखें या ना लिखें ये तो हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आप लोग को अवकलन फार्मूले में बता चुके होंगे। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 - √1 - x2 dx इसका डू क्या हो जाएगा dt। अब dx लगा लीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स के अब क्या हम लोग रख देंगे टी, तो टी और dx अपॉन कर्णी में 1 - x2, तो dx अपॉन कर्णी में 1 - x2 की जब क्या dt, तो हम लोग क्या लिख देंगे dt, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं इंटीग्रल टी, इसको सही से लिख देंगे इंटीग्रल टी इंटू dt। इंटीग्रल टी मतलब क्या होगा, एक घात है इस पर, तो इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन, तो n+1 / n+1 यही करते हैं ना, इसमें भी घात में एक और जोड़ देंगे, बटा उतना ही लिख देंगे। तो टी टू द पावर 2 मतलब 1 + 1 इसको 2/2, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब टी का मान रख देंगे, टी का मान क्या साइन इनवर्स एक्स, तो रख देंगे साइन इनवर्स एक्स टू द पावर क्या होल स्क्वायर 2 + c। हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को डीपली समझ में आएगा और पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा कैसे नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट जरूर करें कि हम लोग और भी इसको डीपली समझाएं, आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 25वां 24वां क्वेश्चन। बोले कि आप लोग घर पर लगाइएगा, घर पर आप लोग कुछ मेहनत करेंगे उससे हम लोग भी बेनिफिट होगा, आप लोग को भी बेनिफिट होगा। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया, 1 / cos² x कोष्टक में 1 - 10² तो इसका हम लोग कर देंगे कैसे, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समाकलन करने पर, क्या करेंगे समाकलन करने पर, इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 / cos² x कोष्टक में 1 - 10² इंटू dx। हम लोग एक फार्मूला आप लोग बता चुके होंगे या आप लोग क्लास 8, 9, 10 में भी पढ़ेंगे कि 1 / cos इसका टू क्या होता है sec θ। अगर 1 / cos θ रहेगा तो क्या होगा sec θ। ये फार्मूला आप लोग 8 में 7 में और 10 में 9 में ये पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ तक आगे इसको देखिए कैसे करेंगे, 1 / cos² x है तो इसको sec² x लिख सकते हैं कि नहीं, इंटीग्रल क्या लिख देंगे sec² x अपॉन क्या है 1 - 10² x² dx। यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए क्या माने, हम लोग लिख देंगे मानना। देखिएगा वीडियो स्किप ना करिएगा, इसी में अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो क्या माने हैं ये आप लोगों को समझ नहीं पाएगा, फिर पीछे करके करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो वीडियो स्किप ना करें, ये मानेंगे 1 - 10x
वन माइनस टेन एक्स को क्या मान लेंगे हम लोग, टी मान लेंगे। अब देखिए इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं ना, तो एक का अवकलन क्या होता है जीरो, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस है तो माइनस डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये माइनस को हम लोग इधर कर देंगे तो लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या माइनस डी टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान हम लोग ऊपर रख देंगे। अब देखिए क्या रख देंगे, वन अपॉन इतना का मान क्या माना है टी, तो टी का स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या माइनस डी टी, माइनस पहले लगा देंगे इंटू डी टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग माइनस इंटीग्रल टी टू पावर माइनस टू इंटू डी टी। अब ये भी वही है घात है, एक्स टू पावर एन का है, एन में एक जोड़ देंगे बटा वही कर देंगे, घात में एक जोड़ देते हैं बटे में वही करते हैं, तो घात में जोड़ेंगे तो माइनस टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपन माइनस टू प्लस वन। तो इसको आगे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस टी टू द पावर क्या होगा माइनस वन अपन, यहाँ पे करेंगे तो माइनस वन, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हो जाएगा टी पे माइनस वन, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो वन अपन टी। अब हम लोग टी का मान रख देंगे, टी का मान क्या है वन माइनस टेन एक्स, तो लिख देंगे वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा 25वां क्वेश्चन कैसे हम लोग लगाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काटना चलिए देखिए कैसे समझते हैं इसको हम लोग। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करेंगे पहले समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे ना, समाकलन करने के बाद क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग इंटीग्रल लिख सकते हैं कॉस कणी में एक्स अपॉन कणी में एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या माने, मानने वाला प्रोसेस है ना, तो हम इस कणी में एक्स को ही मानेंगे, लिख देंगे माना कणी में एक्स इक्वल टू टी, कणी में एक्स का मतलब क्या हो जाएगा एक बट्टा दो, इसके पावर कितना हो जाएगा वन अपॉन टू, इसका अवकलन करेंगे तो होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन टू, सॉरी एक्स वन अपॉन टू इंटू डी टी। इसका अवकलन करेंगे तो कैसे होगा अवकलन, घात नीचे घात से कम, तो इसको नीचे कर देंगे तो वन अपॉन टू, घात से कम करेंगे तो क्या होगा एक्स टू द पावर एक बटा दो माइनस वन, इट्स मीन क्या हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन, इसको ये घटाएंगे तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे साइड में घटा दे रहे हैं हम लोग, जैसे वन अपॉन टू माइनस वन, तो इसको हम लोग करेंगे तो दो करने दो तो हो जाएगा वन माइनस टू अपॉन टू, तो इसका मतलब माइनस एक बट्टा दो, तो ये माइनस एक बट्टा दो नीचे लागे देंगे तो क्या होगा कर्णी में एक्स, ये क्या हो जाएगा कर्णी में एक्स हो जाएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा कि नहीं इंटू डी एक्स इसकल टू क्या हो जाएगा डी टी, तो यहाँ पे दो उधर लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा वन अपॉन रूट अंडर एक्स डी एक्स इसकल टू टू डी टी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा कैसे हम लोग आते हैं। मान रखेंगे वहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे कॉस कॉस कर्णी में एक्स अब क्या मान लेंगे हम लोग टी, टी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कर्णी में एक्स अब क्या टी। अब देखिए वन अपॉन कर्णी में एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स इसकल टू माइनस टू डी टू होगा पहले डी टी है तो डी टी। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है कॉस टी का क्या होता है साइन टी, साइन टी होता है कि नहीं, कॉस का क्या होता है साइन, साइन का कॉस, इसको हम लोग ले लेंगे साइन टी, साइन टी सॉरी इसका समाकलन हम लोग कर देंगे, समाकलन करने में साइन टी तो हो जाएगा टू साइन टी का मान रख देंगे क्या हो जाएगा टी का मान क्या है हम लोग कणी में एक्स, तो कणी में एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन 2800 क्वेश्चन क्या दिया, 2700 क्वेश्चन आप लोग घर पे करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम जरूर उसका अगला वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे। इसको देखिए 2800 क्वेश्चन क्या दिया कॉस एक्स अपॉन कणी में वन प्लस साइन एक्स, 2700 क्वेश्चन क्या दिया कॉस टू एक्स वाला है, तो हम लोग कॉस को मान ले तो साइन को माने, कॉस को मानेंगे तो भी साइन आ जाएगा, साइन को मानेंगे तो कॉस आ जाएगा, उसको आप लोग डिपली लगा सकते हैं। चलिए इसको देखिए इसमें हम लोग क्या मान लेंगे, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिएगा, तो इसका समाकलन करने पर, क्या करने पर समाकलन करने पर, इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन कर्णी में वन प्लस साइन
एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग इसमें क्या मान लेंगे, साइन एक्स को मानेंगे, पूरे को नहीं, क्यों, साइन एक्स को मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पूरे को मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो पूरे को ले लीजिए, पूरे को ले लें, माना टी प्लस सॉरी वन प्लस है, वन प्लस साइन एक्स इसकल टू क्या मान लेंगे हम लोग, टी मान लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका अवकलन करने पे, अवकलन देखिए कैसे होगा, एक का अवकलन क्या होगा, शून्य, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं, होता है ना कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ले लेंगे, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा शून्य, एक का क्या होता है शून्य, शून्य यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी टी, तो ये इसको हम लोग हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या होगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसका, इसमें मान रख देंगे तो इंटीग्रल यहाँ पर मान रखेंगे ना, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ऊपर हम लोग लिख देंगे केवल डी टी, और वन अपॉन इतना मान क्या है टी है, तो टी लिख देंगे किसमें, वन हाफ खंडिंग मतलब हाफ होगा ना, तो हाफ पे रख देंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, तो इंटीग्रल टी टू पर माइनस एक वन अपन टू हो जाएगा इंटू डी टी, इसका समाकलन करेंगे क्या होगा, घात में एक जोड़ देते हैं बटे में उतना ही लिखते हैं, तो क्या होगा टी टू पर माइनस वन अपन टू और प्लस वन अपन वन अपन टू प्लस वन माइनस वन अपन टू प्लस वन। अब इसको देखिए ऐड करेंगे, इसको हम साइन में आप लोग बता दें कि ऐड करने में कितना आएगा, माइनस वन अपन टू प्लस वन क्या होगा, दुए करने दो दो में से एक जाते एक बट्टा दो प्लस में आएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे टी पे वन अपन टू अपन वन अपन टू, ये टू पर चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हो जाएगा टू टी टू द पावर वन अपन टू। अब देखिए इस टू हो गया, टी का मान क्या है, टी का मान क्या है वन प्लस साइन, तो इसका मतलब कर्णी में वन प्लस साइन एक्स और प्लस सी, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, और ऐसे ही वीडियो हम लोग आपको डेली 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 बाई डेली अपडेट कराते रहेंगे, और वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, और धन्यवाद। We'll be right back.